लैंडर मॉड्यूल जो 23 अगस्तते देशत आरम्भ हल उत्सवर बतर चंद्रयान 3 साफल्यक लई G20र मंचत एदरे गौरव करिले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देवबारे नतुन दिल्लीत अनुष्ठित G20र विशेष अधिवेशनत अंश लई प्रधानमंत्री मोदी कय भारतर चंद्र विजयत विज्ञानर लगते उद्योग खंडय जोगाइसे अभूतपूर्व अरिहना चंद्रयान में यूज किए गए अनेक कंपोनेंट्स हमारी इंडस्ट्री ने हमारी प्राइवेट कंपनियों ने हमारे एमएसएमईज ने उसको आवश्यकता के अनुसार तैयार कर समय सीमा पर उपलब्ध कराए हैं यानी ये साइंस और इंडस्ट्री दोनों की सफलता है इफाले G20 अंतर्गत बिजनेस 20र उत्थान और एक क्षेत्र गुरुत्व दिबलगा विषयर कथाओ उल्लेख करिले प्रधानमंत्री गराकिए मुझे खुशी है कि G20 देशों के बीच बिजनेस 20 डिबेट और डायलॉग का एक वाइब्रेंट फोरम बनकर उभरा है इसलिए जब इस मंच पर हम ग्लोबल चैलेंजेस के सॉल्यूशंस पर चर्चा कर रहे हैं तब सस्टेनेबिलिटी बहुत अहम विषय है जो 100 बसर विश्वबासी सम्मुखीन हुआ संकटर समयखिनिर कथा वर्णना करी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कले करोना कालत भारते विश्वबासीक दिया डांगर बस्तुतु आसिल विश्वास আমি দেশৰ কোটি কোটি জনতাক প্ৰতিশোধক প্ৰদান কৰাৰ লগতে 150খন দেশক সহায় কৰিছিলো 100 साल के सबसे बड़े संकट में भारत ने जो चीज दुनिया को दी वो है विश्वास ट्रस्ट म्यूचुअल ट्रस्ट जब कोरोना के समय दुनिया को जरूरत थी तो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाते भारत ने 150 से ज्यादा देशों को दवाइयां उपलब्ध कराई G20 অধিবেশনৰ সময়তে বিশ্বৰ বহু প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ী আৰু নীতি নিৰ্ধাৰকৰ লগতে বিশেষজ্ঞসকলক সম্বোধি এনেদৰে উদ্যোগ আৰু বাণিজ্যিক ক্ষেত্ৰক লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নিজৰ বক্তব্য ৰাখে ইফালে G20 অধিবেশনৰ বাবে অহা 8, 9 আৰু 10 ছেপ্টেম্বৰত বাতিল কৰা হৈছে 150 অধিক ঘৰুৱা বিমানৰ চলাচল নতুন দিল্লীৰ ইন্দিৰা গান্ধী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত এইকেইটা দিনত মুঠ 160খন ঘৰুৱা বিমানৰ উৰণ আৰু অৱতৰণ বাতিল কৰা হৈছে অৱশ্যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানৰ ক্ষেত্ৰত এই নিষেধাজ্ঞা প্ৰযোজ্য নহব নেচনেল ডেস্ক প্ৰতিদিন টাইম